हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारीexam.com में, जो कि देता है अपडेट सबसे पहले। पाना हो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट या किसी एडमिट कार्ड रिजल्ट एंसर की जानकारी, एक नाम याद कर लीजिए, सरकारीexam.com। दोस्तों सरकारीexam.com पे मिलती है अपडेट सबसे पहले, इसलिए गूगल पे हमेशा ओपन करें सरकारीexam.com। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बम्पर भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, एक और बम्पर भर्ती आ चुकी है ग्रेड 3 ग्रुप 4 के लिए। अब यह भर्ती किस स्टेट में निकली है और कब से इसके लिए आवेदन होने हैं, कब तक आवेदन होने हैं, आयु सीमा क्या होने वाली है, सारा कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो हमारे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी तमाम अपडेट को पाते रहने के लिए। दोस्तों वो जो भर्ती है वो है एमपी की, एमपी पीवी ग्रुप 4 की जो भर्ती है वो जारी कर दीजिए, जिसके अंदर क्लर्क, लेखपाल, इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे तमाम पद होने वाले हैं। जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 2716 पदों पर वैकेंसी को जारी किया गया है और योग्यता आपकी 12वीं पास होने वाली है। इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा गूगल पे और ओपन करना होगा सरकारीexam.com, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ आपको नीचे आना है, न्यू अपडेट के सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा व्यू ऑल करने पे, साथ में टॉप ऑनलाइन के सेक्शन में भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा MPPEB ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जॉब से संबंधित सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। अगर पोस्ट नेम की अगर हम बात करते तो असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट स्टोनोग्राफर एंड अदर पोस्ट के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया है। इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो 6 मार्च से इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अभी वैकेंसी स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ अभी इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए आवेदन करना है तो आपको 6 मार्च तक वेट करना होगा। लास्ट डेट फीस पेमेंट की जो है 20 मार्च है। अब आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो भी 20 मार्च रखी गई है। फॉर्म करेक्शन का जो लास्ट डेट है वो 25 मार्च है। एडमिट कार्ड आपका 5 अगस्त को आएगा। एग्जाम डेट भी आपका अगस्त में ही होने वाला है। ठीक है, अप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो जनरल अदर स्टेट के लिए 500 रुपये, SC ST OBC वालों के लिए 250 रुपये, और पोर्टल चार्ज जो है आपका 60 रुपये होने वाला है। और यहाँ पे पोर्टल चार्ज फॉर रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 20 रुपये होने वाला है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं के भी हो, सिर्फ MP के नहीं, आप किसी भी स्टेट के हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष जो है आपका एज लिमिट होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष तक के बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें 2716 पदों के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो वैकेंसी है वो 1840 पोस्ट है, वहीं डायरेक्ट बैकलॉग जो वैकेंसी है 530, संविदा के लिए 243 पोस्ट है इसके अंतर्गत, और संविदा बैकलॉग के लिए 130 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात करें, जर्नल वालों के लिए 595 पोस्ट हैं, EWS वालों के लिए 224 पोस्ट, OBC वालों के लिए 582 पोस्ट, SC वालों के लिए 420 पोस्ट, ST वालों के लिए 895 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल भी दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश के लिए 153 पोस्ट हैं। वही असिस्टेंट क्लास ग्रेड 3 ऑफिस असिस्टेंट डाटा एंट्री IT कंप्यूटर ऑपरेटर क्लर्क कोडिंग रिकॉर्ड क्लर्क एंड अदर इक्विपमेंट पोस्ट के लिए 1782 पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, क्लर्क वगैरह का जो पोस्ट मिला के कंप्यूटर ऑपरेटर और ग्रेड 3 का उसके लिए 1782 पोस्ट है। वहीं स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे 293 पोस्ट, यहाँ पे ढेर सारे पोस्ट आप देखे गए। यहाँ पे लेखपाल का भी एक पोस्ट देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर 16 पोस्ट हो रहे हैं। यहाँ असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर का भी 81 पोस्ट है। ठीक है, फायरमैन के भी पोस्ट हैं, प्लम्बर के भी है, लैब असिस्टेंट के भी हैं। अब नीचे आते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12th पास, कोई भी 12th पास जो बच्चा है किसी भी बोर्ड से वो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता है। अगर आपने भी 12वीं पास किया है तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। काफ़ी सारे वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है तो ये चांस मिस मत करिएगा। अगर आपका भी सपना है लेखपाल भरने का, असिस्टेंट रिव्यू इंस्पेक्टर बनने का, डायरेक्टर बनने का, असिस्टेंट फोटो ऑफिसर बनने का, या क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पानी, स्टेनोग्राफर बनना है, असिस्टेंट है, यहाँ बहुत सारे पोस्ट हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करना कहाँ से है तो आपको नीचे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, जो कि अभी एक्टिवेट नहीं है। 6 मार्च से एक्टिवेट होगा, जैसे ही एक्टिवेट होगा हम
एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, एक एक चीज़ बताएंगे कि फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं सरकारी एग्जाम पर लगी हुई है, तो यहाँ से आके अपने आप नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 6 मार्च, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 मार्च रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट वगैरह सारा कुछ डिटेल दिया गया है, आप आके चेक कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक और नई भर्ती के लिए, जिसके अंदर क्लर्क, लेखपाल, स्टोनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, इंस्पेक्टर के पोस्ट होने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो इस फॉर्म के बारे में जान सके और अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये नहीं कि फॉर्म का वेट करें, आएगा भरेंगे तब तैयारी करेंगे, नहीं, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। हम सिलेबस एग्जाम पैटर्न भी डाल चुके हैं, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस एग्जाम पैटर्न सब कुछ मिल जाएगा, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए इस फॉर्म के लिए, ताकि जब फॉर्म आए तो आवेदन करके आपको सिर्फ एग्जाम ही देना रहे, आप एग्जाम क्वालिफाई कर सके। साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की इसी तरह की अपडेट पाते रहने के लिए, सबसे पहले पाते रहने के लिए। थैंक यू।